हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ बजाज की प्लेटिना 110 ABS। एक यही मोटरसाइकिल है जो आपको इस सेगमेंट में ABS देती है, नहीं तो आपको मुश्किल से 150 cc की मोटरसाइकिल में भी ABS देखने के लिए मिलता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, मोटोमैटर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में करूंगा इसका फुल डिटेल में वॉक अराउंड, देखेंगे इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और ऑन रोड प्राइसेस और क्या क्या इसमें आपको नए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों इसमें मिल जाता है आपको हैलोजन हेडलाइट का सेटअप, साथ में आपको DRL भी मिल जाएगी और ये रहे इसके स्टाइल से हेलोजन इंडिकेटर। फ्रंट सस्पेंशन इसमें मिल जाते हैं आपको टेलीस्कोपिक, जो आते हैं 135 मिलीमीटर ट्रेवल के साथ। फ्रंट व्हील इसमें मिल जाती है आपको स्टाइलिश सी अलॉय व्हील के साथ, जिसमें आपको गोल्डन कलर के स्टिकर मिल जाएंगे। फ्रंट टायर इसमें मिल जाता है आपको JK टायर कंपनी का, जिसका साइज आता है 8017 का ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में मिल जाएगी आपको 240 मिलीमीटर की गोल्ड डिस्क। ये मोटरसाइकिल आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। साइड से देखने में ये मोटरसाइकिल स्टाइलिश लगती है। इसमें आपको ग्राफिक्स टैंक्स लेके पीछे टेल एंड तक मिल जाते हैं। ये मोटरसाइकिल OBD2 E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाती है आपको 10.5 लीटर की। इस पोर्शन में आपको रबर की पैडिंग भी मिल जाएगी। टैंक में आपको ट्रिपल टोन कलर के स्टिकर के साथ प्लेटिना का स्टिकर मिल जाएगा। पीछे के पोर्शन में लगा हुआ मिलेगा आपको ड्यूअल टोन कलर के स्टिकर के साथ 110 ABS का स्टिकर। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 115.45 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve FI एयर कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 8.5 bhp की 7000 rpm पर। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा ये 9.8 Nm का 5000 rpm पर। पहले ये मोटरसाइकिल ट्विन स्पार्क प्लग के साथ आते थी, अब जो BS6 फेज 2 का अपडेट आया है इसमें आपको सिंगल स्पार्क प्लग मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको किक भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉन्ग ट्रेडिशनल मफलर, जिसमें आपको क्रोम की हीट शील्ड लगी हुई मिल जाएगी, जो देखने में खूबसूरत लगता है। रियर व्हील भी इसका स्टाइलिश अलॉय व्हील के साथ ही मिलेगा। टायर इसमें आपको आगे की तरफ सेम ही मिलता है, लेकिन रियर में आपको मिल जाएगी 110 मिलीमीटर की ड्रम ब्रेक, जो आती है CBS के साथ। इस मोटरसाइकिल में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम तो इसकी दमदार रहने वाली है। रियर में आपको मिल जाएंगे साइड माउंटेड ट्विन SOS नाइट्रॉक्स फील्ड सस्पेंशन, जो आते हैं 110 मिलीमीटर व्हील ट्रैवल के साथ, यानी कि झटका तो मना है बॉस। इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है आपको सिंगल सीट, जिसकी लेंथ तो काफी ज्यादा रहने वाली है। दिखने में भी ये स्टाइलिश लगती है। ये मोटरसाइकिल आपकी फैमिली पर्पस के लिए तो ठीक रहने वाली है। क्वेश्चन आता है सॉफ्ट क्वालिटी का। यहाँ पे आपको कम्फर्ट एक्ट की बैजिंग भी मिल जाएगी। ग्रैब रेल इसमें मिल जाती है आपको ब्लैक कलर की सिंगल। टेल लाइट इसमें मिल जाती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ, जो यूनिक दिखाई देती है। और ये रहे इसके स्टाइलिश हेलोजन इंडिकेटर। गियर शिफ्टर इसमें मिल जाता है आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में। इस मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं आपको 5 गियर, जो सारे के सारे डलेंगे नीचे की तरफ। ये मोटरसाइकिल आती है साइड स्टैंड ऑन इंजन कट ऑफ के साथ। पीछे की तरफ इसमें मिल जाएगा आपको फुल कवर्ड चैन कवर, जो आता है प्लास्टिक का, लेकिन ये मजबूत क्वालिटी का मिल जाएगा। ये रहा साड़ी गार्ड लेडीज फुटरेस्ट के साथ। हैंडल बार इसमें मिल जाएगा आपको चम्प्स, जो आता है क्रोम फिनिश में। देख लेंगे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच, नीचे सेल्फ स्टार्ट, दूसरी साइड आपको मिल जाएगा आगे पास का स्विच, हाई लो बीम स्विच, इंडिकेटर टर्न स्विच और नीचे हॉर्न। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाता है आपको सेमी डिजिटल। डिजिटल वाले पोर्शन में आपको ऑरेंज कलर की बैकलाइट मिल जाएगी। ये रहा RPM मीटर। डिजिटल पोर्शन में आपको मिल जाएगा गियर शिफ्ट इंडिकेटर। यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाएगा, ये रेंज मिल जाएगी और ये रहा टाइम। और यहाँ पे आपको बेसिक से फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेंगे दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो ओवरऑल लंबाई इस मोटरसाइकिल की आती है 2006 मिलीमीटर, चौड़ाई आती है 713 मिलीमीटर, ऊंचाई इस बाइक की आएगी 1100 मिलीमीटर, व्हील बेस इसमें मिल जाता है आपको 1255 मिलीमीटर का, ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में मिलता है आपको 200 मिलीमीटर का, सीट हाइट इसमें मिल जाती है आपको 807 मिलीमीटर की, वजन इस बाइक का आता है 123 किलो का, इसमें आप 253 किलो तक वजन रख के ले जा सकते हैं। टॉप स्पीड इस मोटरसाइकिल की जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की। माइलेज ये मोटरसाइकिल दे देगी 70+ का। दोस्तों इसमें आपको पावर भी ज्यादा मिल जाती है और माइलेज भी ज्यादा मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी 79,309 रुपए ex-showroom, जो RTO इंश्योरेंस मिला के ऑन रोड बैठ जाएगी 98,000 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर आप ये मोटरसाइकिल अपनी फैमिली पर्पस के लिए देख रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए भाई बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाली है। इस मोटरसाइकिल को यंग और ज्यादा एज के लोग दोनों ही चला सकते हैं। खूबियां तो इसमें आपको भर भर के मिल जाती है। अगर आप इसके मुकाबले स्प्लेंडर प्लस खरीदने में जाएंगे तो उसको भी खरीदने के लिए आपको 96,000 रुपए पे करना पड़ेगा। 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आपको ज्यादा सीसी का इंजन मिल जाता है और माइलेज भी आपको बेहतर मिल जाता है। और फैमिली पर्पस के लिए तो ये मोटरसाइकिल बेहतर है। फीचर भी आपको उससे ज्यादा मिल जाएंगे। ABS इसमें आपको मिल जाता है। सेफ्टी के हिसाब से तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बेहतर है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि स्प्लेंडर प्लस खरीदें या प्लेटिना 110 खरीदें, तो मेरे हिसाब से आपके लिए प्लेटिना 110 ABS बेहतर रहेगी। नीचे कमेंट में बताइएगा खरीदेंगे आप इसे और क्या क्या इसमें बजाज वालों ने चेंजेस करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका राइडर दोस्त नवीन लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज राइड सेफ।